तो बलिया से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने साफ कर दिया कि बाढ़ और बाढ़ से बचाव को लेकर जो जिम्मेदार हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं। एक बांध था जो अब बह चुका है और एक गांव था जो अब टापू बन चुका है। पूरी रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि पानी सब कुछ साफ कर देता है, कीचड़ से लेकर काले कारनामे तक। उत्तर प्रदेश में तो पानी ने अव्यवस्था की पोल ही खोल कर रख दी। जब बारिश हुई नहीं, किसान पानी के लिए मरते रहे। वहां पता चला कि सिस्टम कितना तैयार था। जब बारिश हुई, राजधानी लखनऊ से लेकर बलिया और बहराइच तक में जल भराव हुआ। फिर पता चला कि सिस्टम कितना तैयार था। और फिर आई बाढ़ जिसने बची बचाई कहानी भी जग जाहिर कर दी। जरूरतमंदों को सही समय पर मदद नहीं मिल रही थी और जो मिली वो नाकाफी थी। मुख्यमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ गया। अब अंदाजा लगाइए कि इस पानी ने क्या क्या साफ किया उत्तर प्रदेश में। अब जो एक और पोल खोलती तस्वीर है वो बलिया से सामने आई। बांसडीह के रेंघा गांव में पीडब्ल्यूडी की सड़क को बाढ़ का पानी रिसाव कर धीरे धीरे काट रही थी। सूचना ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग को दी, पर कान में रुई डाले बैठे सिंचाई विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया और ग्रामीणों को प्लास्टिक की बोरियां थमा दी गई। ग्रामीणों ने जैसे तैसे बोरियों में मिट्टी डालकर सड़क को बचाने की कोशिश की, पर यह रात में रिसाव तेज हुआ और सड़क कट गई। गांव का संपर्क टूट गया और गांव टापू बन गया। तो इसका जिम्मेवार कौन है? आए थे सब लोग, घूम कर गए हैं सब लोग, बोल रहे हैं कि हम कल आए थे। सभी लोग बोल रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग घूम कर गए हैं, अभी तो कल ही आए हैं। अरे तो कल आने से होगा, यहाँ पर हित ही करने आना है। यहाँ पर आकर के कार्य करिए, उसको निपटारा करिए कि हाँ ये बांध न टूटे। अब समझिए कि हर साल टीएस बांध के मेंटेनेंस पर लाखों रुपए झोंक दिए जाते हैं, पर कितना उन बांधों में लगता है वो तस्वीरें बेहतर बता रही हैं। रफ्तार मीडिया के लिए बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट।